नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 7 जुलाई। चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या 12,000 के पार। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। बिहार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बीते दिन जारी किए गए अपडेट के अनुसार 276 नए मरीजों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद बिहार में प्रभावितों की कुल संख्या 12,140 हो गई है। पाए गए मामलों में प्रभावित जिलों की बात करें तो अरवल में 5, बांका में 2, भागलपुर में 25, भोजपुर में 5, दरभंगा में 27, गोपालगंज में 6, जमुई में 4, जहानाबाद में 6, कटिहार में 8, खगड़िया में 9, किशनगंज में 4, मधेपुरा 6, मधुबनी में 7, मुंगेर में 11, मुजफ्फरपुर में 7, नालंदा में 15, नवादा में 4, पश्चिम चंपारण में 13, पटना में 55, पूर्वी चंपारण में 15, पूर्णिया में 3, रोहतास में 6, सहरसा में 3, समस्तीपुर में 4, सारण में 5, शिवहर में 2, सीतामढ़ी में 1, सिवान में 8, सुपौल में 10 मामले सामने आए हैं। वहीं कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की बात करें तो अब तक कोविड-19 से 9,014 मरीज बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। वहीं अब तक कोविड-19 की वजह से 97 लोगों की जान जा चुकी है। पटना में कोविड-19 प्रभावितों की बढ़ी रफ्तार। पटना में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही है। सिर्फ पटना की बात करें तो पटना जिले में कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़कर 83 पहुंच गई है। पहले 67 कंटेनमेंट जोन थे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, जिला प्रशासन ने यहां भी कोविड-19 मरीजों की पुष्टि की है। वहां पर प्रतिबंध क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप पटना सिटी अनुमंडल क्षेत्र में 17, पटना सदर में 35, दानापुर में 17, मसौढ़ी में 6, पालीगंज में 8 जोन बनाए गए हैं। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने किया पश्चिम चंपारण का दौरा। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे अक्सर अपने अनोखे अंदाज के लिए सुर्खियों में बने रहते हैं। वहीं एक बार फिर से बीते दिन वो पश्चिम चंपारण के कटराव गांव का दौरा करने पहुंचे। हालांकि पुलिस का काफिला देखकर पहले तो लोग परेशान दिखे, मगर डीजीपी के आने की जानकारी मिलने से सभी लोग खुश हो गए। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने वहां पहुंचकर गांव की तारीफ के साथ ही नमक मिर्च और रोटी का स्वाद भी चखा। बिहार में स्वास्थ्य विभाग में सरकारी नौकरी की हुई बौछार। कोविड-19 समेत अन्य बीमारियों से निपटने के लिए प्रखंड स्तर पर बिहार में 360 स्वास्थ्य कर्मियों की बहाली जल्द ही करवाई जाएगी। स्वास्थ्य विभाग में राज्य स्वास्थ्य समिति के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए संविदा के आधार पर बहाली करने का फैसला सुना दिया गया है। अलग अलग पदों पर स्वास्थ्य कर्मियों की बहाली की जाएगी। इन्हें 10,000 से 18,000 तक प्रतिमाह मानदेय का भुगतान भी किया जाएगा। बिहार के कई जिलों में बारिश को लेकर जारी की गई अधिसूचना। कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव के बीच इस बार मॉनसून भी अपना असर बखूबी दिखा रहा है। बिहार के विभिन्न जिलों में लगातार बारिश देखने को मिल रही है। वहीं मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए पूर्वानुमान के अनुसार बंगाल में उत्पन्न हुए नमी की वजह से बिहार के कई जिलों में बारिश की संभावना काफी ज्यादा बढ़ गई है, जिसके परिणाम स्वरूप आने वाले दिनों में उत्तर पूर्व बिहार के सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, पूर्णिया, दक्षिण पूर्व बिहार में खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, लखीसराय, जमुई, बांका में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। इतना ही नहीं, कुछ जगहों पर मौसम विभाग ने आकाशीय बिजली गिरने के संकेत भी दे दिए हैं। सभी सरकारी स्कूल को जल्द ही मिड डे मील का पैसा दिए जाने की कही गई बात। सभी सरकारी स्कूल को बिहार सरकार ने जल्द ही मिड डे मील और अनाज का पैसा भेजने का दावा किया है, जिसके तहत शिक्षा विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। सभी डीएमओ और डीपीओ को जारी आदेश कर दिया गया है। साथ ही स्कूल में अभिभावकों को बुलाकर अनाज देने का निर्देश दे दिया गया है। वहीं छात्रों के खाते में डीबीटी के जरिए जल्द से जल्द पैसा डालने का निर्देश भी दे दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, कोविड-19 के रोकथाम के लिए स्कूलों की बंदी और गर्मी की छुट्टी के दौरान मई, जून और जुलाई के कक्षा 1 से 5वीं तक के छात्रों के लिए 8 किलो अनाज और 558 रुपए, वहीं 12वीं तक के छात्रों के लिए 536 रुपए और 12 किलो अनाज दिया जाएगा। बीपीएससी ने स्थगित की अपनी परीक्षाएं। बिहार लोक सेवा आयोग ने 13 से 17 जुलाई के बीच होने वाली सभी परीक्षाओं को कैंसिल कर दिया है। आयोग सहायक इंजीनियर के पद पर बहाली के लिए परीक्षा का आयोजन किया जाना था, मगर कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए बीपीएससी ने परीक्षाएं स्थगित कर दी है, जिसकी जानकारी बीपीएससी ने अपने आधिकारिक वेबसाइट पर साझा कर दी है, जिसमें साफ तौर पर विज्ञापन संख्या 1/2019 के तहत सहायक अभियंता और सैनिक की परीक्षा कैंसिल की गई है। यह परीक्षा 13 और 14 जुलाई को होनी थी। इसके साथ ही 16-17 जुलाई को होने वाली परीक्षा को भी स्थगित कर दिया गया है। पटना में गंगा पथ का निर्माण कार्य जल्द होगा शुरू। गंगा पथ बनाने का रास्ता राजधानी पटना में साफ हो गया है, जिसके बाद पटना के दीदारगंज से दीघा तक निर्माणाधीन गंगा पथ परियोजना की तकनीकी बाधा को पथ निर्माण विभाग से दूर कर लिया है। विभाग ने 736 करोड़ की इस परियोजना को पूरा करने के लिए काम आवंटित कर दिया है। इसके लिए एजेंसी का चुनाव भी किया जा चुका है। जल्द ही निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू करवा दी जाएगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड को लेटर ऑफ अप्रूवल सौंप दिया गया है। 2.5 साल के अंदर इसका निर्माण कार्य भी पूरा कर लिया जाएगा।
दरभंगा एयरपोर्ट से जल्द ही विमान भर सकते हैं उड़ान, जिसके संकेत केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिए हैं, जिसके बाद दरभंगा वासियों को थोड़ी राहत मिली है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार के दरभंगा एयरपोर्ट से इसी साल अक्टूबर में उड़ान शुरू हो सकती है। केंद्र सरकार ने कहा है कि दरभंगा में एयरपोर्ट का काम लगातार जारी है और 2-3 महीने के अंदर पूरा कर लिया जाएगा, जिसके तहत केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बिहार के मंत्री संजय कुमार झा को इस आश्वासन दिया है कि संजय झा ने बीते दिन दिल्ली में हरदीप सिंह पुरी से मुलाकात भी की है। वहीं केंद्रीय मंत्री ने अपनी तरफ से ट्वीट कर कहा है कि आज बिहार के मंत्री संजय कुमार झा से मुलाकात हुई है, दरभंगा एयरपोर्ट को लेकर जारी निर्माण कार्य पर चर्चा की गई है। जीतन राम मांझी ने 10 जुलाई को बुलाई कोर ग्रुप की बैठक। कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग को लेकर नाराज चल रहे जीतन राम मांझी ने 10 जुलाई को कोर ग्रुप की बैठक बुलाई है, जिसमें जीतन राम मांझी द्वारा कोई बड़ा फैसला लेने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसकी जानकारी हम के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान ने दी है और बताया है कि 10 जुलाई को पार्टी की कोर ग्रुप की बैठक होगी, जिसमें महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, जीतन राम मांझी द्वारा कोऑर्डिनेशन कमेटी का अल्टीमेटम खत्म होने के बाद यह महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन करवाया जा रहा है। कोविड 19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए बिहार कांग्रेस ने सरकार से की मांग। बिहार में कोविड 19 के मामलों में बड़ी तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही थी, वहीं बिहार कांग्रेस ने सरकार से कोविड 19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए पूरे बिहार में दोबारा से लॉकडाउन लगाने की मांग की है, जिसके तहत कांग्रेस विधान पार्षद प्रेमचंद मिश्रा ने पटना सहित राज्य के अनेक भागों में कोविड 19 संक्रमण के चलते रफ्तार को चिंताजनक बताते हुए मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि वे राजधानी पटना सहित सभी कंटेनमेंट जोन वाले इलाकों में पूरी तरीके से लॉकडाउन लगाने पर तत्काल विचार करें। कोविड 19 के बढ़ते माहौल के बीच बिहार पुलिस एसोसिएशन ने पुलिसकर्मियों से की खास अपील। बिहार में कोविड 19 के मामले बेलगाम बढ़ते जा रहे हैं, जिसके बाद बिहार पुलिस एसोसिएशन ने भी चिंता जाहिर की है। इसको लेकर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष मृत्युंजय सिंह ने सभी जिला इकाई के अध्यक्ष सचिव को पत्र जारी करके आग्रह पूर्वक कहा है कि आप सभी को सूचित करना है कि देश सहित बिहार में कोविड 19 समाज में काफी तेजी से पांव पसार रहा है, काफी संख्या में पुलिसकर्मी भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। कोविड 19 के बढ़ते मामले चिंताजनक है, आप सभी बधाई के पात्र है, आप सभी सतर्क के साथ कर्तव्य का पालन करें और एक दूसरे से सामाजिक दूरी भी बनाकर रखें। श्याम रजक ने बिहार से स्वदेशी मुहिम की शुरुआत होने की कही बात। चीन के खिलाफ देश भर में चल रहे मुहिम का उद्योग मंत्री श्याम रजक ने स्वागत किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि चीनी सामान के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सबसे आगे है। हर क्षेत्र में चीन का बहिष्कार किया जा रहा है, राज्य में चीन से आने वाले सामान की कोई जगह नहीं है। पूरे देश भर में बिहार से ही स्वदेशी मुहिम की शुरुआत हुई है। देश में इस वक्त चीन के खिलाफ विरोध का माहौल जारी है। गांधी सेतु के समानांतर बनने वाले 4-लेन पुल का टेंडर भी चीनी कंपनियों से ले लिया गया है। सावन के पहले सोमवार को खेसारी लाल यादव ने जारी किया अपना गाना। बीते दिन से सावन महीने की शुरुआत हो चुकी है, वहीं सावन महीने के शुरुआती दिन ही खेसारी लाल यादव ने अपना एक नया सुपरहिट गाना लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम खेली है बाबा पबजी है। इस गाने के रिलीज होने के बाद सोशल मीडिया पर इसे खूब ज्यादा पसंद किया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार खेसारी लाल यादव ने आज खेली है बाबा पबजी भोजपुरी गाना रिलीज कर दिया है। यह गाना उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल खेसारी लाल म्यूजिक वर्ल्ड पर रिलीज किया है, जो अब खूब तेजी से ट्रेंड कर रहा है। वहीं अब तक इस गाने को लाखों लोगों ने देख भी लिया है। मास्क से लेकर गमछा और गंजी तक पर दिखने लगे हैं चुनावी रंग। कोविड 19 के माहौल के बीच बिहार में सियासी सरगर्मी भी देखने को मिल रही है। पहले मास्क के माध्यम से तो अब गमछा और गंजी पर भी चुनावी चिन्ह देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, दुकानों में भी इसके ऑर्डर राजनीतिक पार्टियों से जुड़े नेताओं ने देने शुरू कर दिए हैं। राजद के स्थापना दिवस पर रैली के साथ ही इसका आगाज भी हो चुका है। रविवार को राजद की साइकिल रैली में गंजी और गमछे की काफी संख्या में डिलीवरी दी गई है। इतना ही नहीं, कुछ समय पहले भी मास्क पर सभी पार्टियों के चुनाव चिन्ह देखे गए थे। सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म का ट्रेलर हुआ रिलीज पर ना खुश है परिवार। सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। सुशांत के फैंस के लिए एक बार फिर से सुशांत सिंह राजपूत को देखने का मौका पेश किया गया है। इस फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत के ऑपोजिट संजना सांघी काम कर रही है। यह फिल्म हॉटस्टार पर रिलीज किया जाएगा। हालांकि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के घर वाले इससे खास खुश नजर नहीं आए हैं। सुशांत सिंह राजपूत के चचेरे भाई और बीजेपी विधायक नीरज सिंह बबलू ने कहा है कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर को थोड़ा इंतजार कर लेना चाहिए था। ऐसा नहीं है कि कोरोना खत्म नहीं होगा, जब देश में सिनेमा हॉल खुलते उसके बाद फिल्म को रिलीज करना चाहिए था। प्रोड्यूसर डायरेक्टर को थोड़ी संवेदना दिखानी चाहिए थी।
पटना हाईकोर्ट ने डीएलएड की नियुक्ति पर लगाई रोक। पटना हाईकोर्ट ने राज्य में प्रारंभिक शिक्षक नियोजन से संबंधित फैसले पर रोक लगा दी है, जिसके तहत कोर्ट ने साफ कर दिया है कि सिर्फ 2 वर्षीय डीएलएड पास प्रशिक्षित अभ्यर्थी पर ही विचार करने के राज्य सरकार के आदेश सही नहीं है, जिसके बाद सुनवाई 7 सितंबर को होगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, राज्य सरकार के आदेश में कहा गया था कि राज्य के प्राथमिक स्कूल के शिक्षक नियोजन में केवल 2 वर्षीय डीएलएड पास प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इतना ही नहीं, डीएलएड अभ्यर्थियों के उपलब्ध नहीं होने पर ही स्नातक अभ्यर्थियों के नियोजन पर विचार विमर्श किया जाएगा, जिसके बाद पटना हाईकोर्ट ने फिलहाल राज्य सरकार के इस फैसले पर ब्रेक लगा दिया है। रोहतास के बंद पड़ी राइस मिल को खोलने के लिए राज्य सरकार से की गई मांग। रोहतास जिले में लंबे समय से बंद पड़ी राइस मिल का उद्घाटन जल्द ही करवाया जा सकता है, जैसे प्रवासियों को रोजगार मुहैया करवाने में भी मदद मिल सकती है। रोहतास में सैकड़ों पड़ी राइस मिलें जो बंद है, उन्हें दोबारा से शुरू किया जाए ताकि यहां के मजदूरों को अपने घर में ही काम मिल सके, उन्हें दूर रोजी रोटी के लिए दूसरे प्रदेश में जाना ना पड़े। इसके लिए रोहतास जिला मिलर्स एसोसिएशन ने भी राज्य सरकार से मांग की है कि बंद पड़ी सैकड़ों मिनी और बड़ी राइस मिलों को शुरू कर दिया जाए। बिहार में मास्क नहीं पहनने वाले 1139 लोगों से लिया गया जुर्माना। कोविड-19 के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, मगर लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। बिहार में मामले बेलगाम बढ़ोतरी हो रही है, मगर इसके बावजूद बीते दिन 1139 लोगों को बिना मास्क पहने हुए पकड़ा गया है, जिसके बाद इन सभी लोगों से 56,950 की वसूली की गई है, जिसकी जानकारी सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने दी है। साथ ही यह भी कहा है कि कोविड-19 संक्रमण में उत्पन्न स्थिति को लेकर सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। सभी लोगों से अपील है कि मास्क पहनने के बाद ही घर से बाहर निकले। 200 साल के बाद कांवरिया पथ पर पसरा सन्नाटा। हर साल श्रावणी मेला का आयोजन सावन में करवाया जाता था, मगर इस बार कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए श्रावणी मेले के आयोजन को स्थगित कर दिया गया है। वहीं जहां पर हर साल कांवरियों पथ पर लोगों की भारी संख्या में आवाजाही देखने को मिलती थी, इस बार उस पूरे पथ पर सन्नाटा पसरा रहा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, सावन के पहले सोमवार को लगभग 2 लाख श्रद्धालु विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला में हिस्सा लेते थे, मगर इस साल ऐसा कुछ नहीं हो पाया है। सिर्फ श्रद्धालु की श्रद्धा ही नहीं, बल्कि कोविड-19 की वजह ट्रांसपोर्ट के आय में भी भारी गिरावट देखने को मिली है। इतना ही नहीं, विद्युत विभाग और नगर परिषद के राजस्व को भी घाटा पहुंचा है। यशवंत सिन्हा जनसंवाद रैली के माध्यम से फूकेंगे एक चुनावी बिगुल। भाजपा के बागी नेता यशवंत सिन्हा बिहार विधानसभा चुनाव में अहम भूमिका निभाते नजर आ सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही उन्होंने अपनी तीसरी पार्टी बनाने का ऐलान जारी कर दिया था, जिसके बाद अब आ रही खबरों के अनुसार यशवंत सिन्हा बिहार में चुनावी बिगुल जनसंवाद रैली के माध्यम से फूकने वाले हैं, जिसके तहत बदलो बिहार बनाओ बेहतर बिहार को जीवंत रूप देने के लिए यशवंत सिन्हा बीते दिन पटना पहुंच चुके हैं। वहीं परिणाम स्वरूप अब 7 जुलाई यानी कि आज यशवंत सिन्हा राजधानी पटना से बिहार के सभी जिलों में जनसंवाद रैली के माध्यम से लोगों से जुड़ेंगे। सावन के पहले सोमवार के दिन राबड़ी देवी संघ पहुंचे भोलेनाथ के शरण में तेजस्वी यादव। सावन के पहले सोमवार को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव भगवान भोलेनाथ के शरण में दिखे। इतना ही नहीं, राबड़ी देवी के साथ दोनों भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने मंदिर पहुंचे थे। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार के लोगों को सावन की बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं भी दी है, जिसके तहत तेजस्वी यादव ने अपनी पूजा अर्चना की तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा, पावन श्रावण मास के पहले सोमवार की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। राजधानी पटना में आइसोलेशन सेंटर्स की बढ़ाई गई संख्या। राजधानी पटना में कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए आइसोलेशन सेंटर्स की संख्या बढ़ा दी गई है। जिला प्रशासन द्वारा आइसोलेशन सेंटर्स की क्षमता निर्धारित कर दी गई है। सबसे ज्यादा 447 बेड की व्यवस्था NMCH में की गई है। दूसरे नंबर पर SI बिहटा में 304 बेड की क्षमता बढ़ाई गई है और तीसरे नंबर पर है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर मसूरी और विक्रम, दोनों जगह पर 250-250 बेड की सुविधा मुहैया करवाई गई है। दीप नारायण इंस्टीट्यूट शेखपुरा में 244 बेड की सुविधा मुहैया करवाई गई है। NMCH बिहटा पटना में 235 बेड, पटना PMCH में 192 बेड, एम्स पटना में 175 बेड की व्यवस्था कर दी गई है। पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 100 बेड जबकि बामिती BMP पटना में 84 बेड मौजूद है। इंजमाम ने IPL के आयोजन पर सवाल उठाए जाने की कही बात। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इंजमाम उल हक ने बीते दिन T20 विश्व कप के जगह पर IPL के आयोजन को लेकर के बड़ी बात कही है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि कोविड-19 के इस माहौल में T20 विश्व कप की जगह पर अगर IPL का आयोजन होता है तो सवाल जरूर उठेंगे, क्योंकि BCCI ने भी बीते दिन IPL के आयोजन को लेकर साफ संकेत दिए हैं, जिसके बाद उन्होंने कहा है कि इस तरह के अटकलें हैं कि विश्व कप की तारीख इंडियन प्रीमियर लीग और भारत ऑस्ट्रेलिया सीरीज के साथ मिल रही है, इसलिए इसका आयोजन नहीं होगा। भारत बहुत मजबूत है और ICC में उसका कंट्रोल है। अगर ऑस्ट्रेलिया कहता है कि कोरोना के कारण हम विश्व कप का आयोजन नहीं कर सकते हैं तो उनके रुख को आसानी से स्वीकार कर लिया जाएगा, लेकिन IPL के आयोजन पर तमाम तरह के सवाल भी जरूर उठेंगे।
गूगल जल्द ही लेकर आ रहा है नया फीचर। गूगल अपने सभी यूजर के लिए समय समय पर नए फीचर को रोल आउट करता रहता है। इसी क्रम में गूगल अब जल्द ही अपने नए फीचर को लेकर आ रहा है। मिली जानकारी के अनुसार गूगल जल्द ही नियर बाई शेयर को लॉन्च करने जा रहा है। यूजर्स को इस शेयर इट ऐप डाउनलोड करने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि भारत सरकार ने शेयर इट ऐप को पूरी तरीके से बंद कर दिया है। ऐसे में फाइल शेयरिंग करने के लिए लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, जिसके बाद अब दिग्गज कंपनी गूगल एंड्रॉइड यूजर्स के लिए नया फीचर लॉन्च करने वाली है, जिसका नाम नियर बाई शेयर रखा गया है। इन फीचर्स के जरिए यूजर चंद मिनट में बड़ी फाइल ट्रांसफर कर पाएंगे। इस फीचर की जानकारी एंड्रॉइड पुलिस की एक रिपोर्ट से मिली है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है स्वराज पाल यादव, समथिंग इंटरेस्टिंग तारकेश्वर सिंह, जसवंत कुमार, अशोक चौधरी, कीर्ति सिंह, संजीत कुमार, नंदिनी कुमारी, शशि भूषण कुमार, सुधा कुमारी, रीना कुमारी, शिखा राज, रिंकी निराली ऑफिशियल, अहमद खान, कुंदन कुमार, सुषमा सेन, मिथुन कुमार, नौशाद अली, शाहिद अनवर। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए। लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार बिहार सरकार द्वारा मास्क न पहनने वाले लोगों से फाइन लिए जाने का फैसला कोविड-19 के रोकथाम में कितना कारगर साबित होगा? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।